जय माता दी। आज नवरात्र का है तीसरा दिन। पूजा करने के बाद मैं अपना वही डेली रूटीन स्टार्ट करने जा रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने लेमन वाटर ले लिया था और उसके बाद मैं प्लेन वाटर भी पीती हूँ। मतलब मैं दो बड़े गिलास पानी अच्छे से पीती हूँ। पहले मैं लेमन वाटर लेती हूँ, उसके बाद मैं सिंपल सा प्लेन वार्म वाटर पीती हूँ। और पूजा करने के बाद, नहाने के बाद मैं खाती हूँ सबसे पहले एप्पल, और जिसको मैं छील के नहीं खाती हूँ, छिलके के साथ ही खाती हूँ। वीडियो में उसके बाद मैंने ली गुड़ वाली चाय एंड पीनट, और इसके अलावा आज मैं कुछ नहीं लूंगी, मैं मखाना भी नहीं लूंगी। गाड़ी मेरी जा रही है सर्विसिंग के लिए, अब 10 दिन बाद ही आएगी। और परी को ये देखिए, परी को इनको यहाँ स्टूल लगा के बैठा दीजिए, इनको यहीं अच्छा लगता है। परी आप क्या कर रही हो बुआ? ओले बाप ले बाप, इनको बाहर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इनके बड़े पापा जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आएंगे। परी बाय कर लो। अच्छा क्लैपिंग कर दो। इनको बाहर अच्छा लगता है। पूरा दरवाजा खुला है। बाय। ओके। बड़े पापा ने अंदर कर दिया, चलो अंदर चलो, आओ चलो मम्मा के पास आओ, आओ जल्दी आओ। ये गुड गर्ल, कोई बात नहीं, आओ चलो, जिसको लेके चलना है आपको। अच्छा छोड़ दो परी, छोड़ दो। मौसी जी देखिए, इनको स्टूल लेके आ रही हैं। चलो देखिए देखिए आओ। अच्छा धूप इस समय अच्छी लगने लगी, मौसम ठंडा हो गया, और मेरे बच्चे दोनों बहुत आप लोग पूरा दिन ही देखते हो। चलिए पढ़ाई करिए जल्दी जल्दी। मेरे कुछ बना रहे हैं। अथर आप क्या बना रहे हैं? सूप में अथर डालेंगे माइक्रोनी, जिसको अथर क्या कर रहे हैं पीस। अब आप ये बॉयल हो रहा, अब इसमें क्या डालेंगे आप? इसमें डालेंगे टमाटो, केयरफुली डालो बेटा, बेटा ऐसा ना पकड़ो। मम्मा चाची डाल रही हैं, बच्चे क्या क्या सोचते हैं। और लास्ट में अथर इसमें डालेगा, क्या डालेगा बेटा? सूप, कप। ये क्या है? कप सूप, नॉर का हॉट एंड सॉर्ट वेज कप सूप, जिसको कटोरी में पानी डाल के मेल्ट कर देगा, क्योंकि ये बॉयल हो गया। अगर डायरेक्टली पाउडर डालेंगे तो ये गुलटी गुलटी सा हो जाएगा, इसीलिए इसको पानी में अच्छे से मिला के लास्ट में डालेंगे, जब माइक्रोनी थोड़ी सी पक जाए।
तो ये मैक्रोनी विथ सूप हो जाएगा। हम लोग मैगी भी डालते हैं, तो वो रेसिपी मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये सूप में भी सारे मसाले हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मसाला नहीं खाएंगे, तो बच्चों के लिए ये सही है। तो बस टमाटर डालना है, इसलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया कि मैक्रोनी और टमाटर उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए बहुत जल्दी पक जाएगा। जब ये पक जाएगा उसके बाद ये ग्रेवी हम लोग डालेंगे सूप वाली, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। मैक्रोनी मेरी अच्छे से पक गई थी। अब जो ये सूप मैंने पानी में करके रखा था ये मैं डाल दूंगी। इसके डालते ही 2 मिनट में मैं ये सूपी मैक्रोनी बन के हो जाएगी रेडी। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब मैं मैगी वाली बनाऊंगी वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये बन के हो गया रेडी, ये देखिए गल गया मैक्रोनी अच्छे से। तो कभी बच्चों को कुछ डिफरेंट नया खाना हो तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। देखिए कितना टेस्टी बना और जल्दी भी बन गया, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के लिए, एंड बड़े भी इसे खा सकते हैं। मैंने मैक्रोनी के साथ अभी तक ट्राई नहीं किया, मैंने जब भी खाया मैगी के साथ, बट अब मैं इसको मैक्रोनी के साथ खाऊंगी, वो भी आटा वाली मैक्रोनी हो, मैगी हो या आटा वाला पास्ता हो, उसके साथ मैं इसको ट्राई करूंगी। ये ट्रिक बहुत अच्छी है। ओके बेटा, इसको मैं पसंद करूंगी। आप इसको ट्राई करके बताओ कि कैसा बना है। ये देखिए ये बन के हो गया रेडी। बनाए बहुत अच्छा बना। नाइस गाइस, आप इसको ट्राई जरूर करिए। एंड अद्विक, ये देखिए इनको पर ये हैंकी लेने के लिए पैसा आने, ये लो। अच्छा क्लैपिंग कर दो बस, अब ये गई। परी चलती बहुत मजा आते हो। कहाँ जा रही हो बुआ? ये अपनी दादी जी के पास आ रही हैं, पूजा कर रही मौसी जी। मैंने कुछ सामान मंगाया ग्रोफर से, तो ये आटा चक्की आटा, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं यही यूज कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड इसमें मैंने कुछ मंगाया है, तो अभी मैं ओपन करके इसको दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाए हैं बिस्किट, स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट। और नवरात्र में देसी घी की ज़्यादा ज़रूरत लगती है, तो मैंने ये देसी घी मंगाया है 2 डिब्बा, क्योंकि मैं घर का घी पूजा में नहीं यूज करती हूँ, तो ये मैंने देसी घी 2 मंगाए हैं। एंड पार्ले जी, जो कि मेरी परी खाती है, क्लासिक रस, स्वीट एंड सॉल्ट, मैंने ये 2 पैकेट मंगाए। बादाम मैंने मंगाया 1 केजी का। एंड मैंने ये मंगाया है कैचअप। और जब से लॉकडाउन हुआ है, पहले मैं अमीनाबाद से चाय पत्ती लाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ सब कड़क चाय पीते हैं। मैं ग्रूफर से ये कड़क टी मंगाया, मैंने 2 पैकेट मंगाया है। ये सब हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट मंगा लिया है इस समय। आज मैं बनाऊंगी साबुनदाने की टिकिया, जो कि जिसमें आलू बहुत कम पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, आपके वेट लूज़ करने के लिए बहुत अच्छा होगा, तो वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने धनिया कट कर ली है, उसमें मैंने हरी मिर्च भी महीन महीन कट कर ली है। मुझे हर चीज़ चटपटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मिर्च डालती हूँ, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मिर्च डालिएगा। उधर मेरी देवरानी धनिया की चटनी बनाने की तैयारी कर रही, जिसके लिए उसने इमली भिगो लिया था, धनिया मिर्च उसने डाल लिया है। चटनी मैंने डाला धनिया मिर्च
और नमक सेंधा नमक मैं यूज करती हूँ। नमक मैं एक टाइम खाती हूँ और कोशिश करती हूँ कम से कम खाऊँ। और ये भीगी हुई इमली थी, इमली मुझे ज़्यादा लग रही थी इसलिए इमली हम लोग ने कम डाली और उसमें मैंने जीरा भी डाला था। मेरी चटनी बन के हो गई है रेडी। अब मैं साबुनदाना की पकौड़े की तैयारी करूँ जिसके लिए मैंने साबुनदाना भिगो के रख लिया था। आप देख ही रहे होंगे दो आलू मैंने इसमें डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाला है। और धनिया मिर्च मैंने इसमें डाला है कटा हुआ। और ये है अदरक, जीरा एंड मैं इसमें डालूंगी पीनट। आप सबने साबुनदाना की पकौड़ी बनाई होगी, कभी पीनट डाला है कि नहीं नो आइडिया, बट मैं साबुनदाना की पकौड़ी में पीनट डालती हूँ, वो भी अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी साबुनदाना। आप साबुनदाना की क्वांटिटी देख ही रहे होंगे कितनी है। मैंने इसको एक दिन पहले भिगो के रख दिया था, रात में अच्छी तरह भीग गया है। और साबुनदाना की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए मैं आलू कम से कम यूज कर रही हूँ। तो मैंने बस दो ही आलू लिए थे। और इसमें मैंने डाला था मसाला, जो कि मैंने व्रत वाला मसाला बनाया है तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और सोचती हूँ बहुत जल्दी शेयर करूँ। और मैं बहुत ही कम ऑयल में ये बनाऊँगी, जैसा कि मैंने बताया है मैं अपना वेट लूज़ करना है मुझे, इसलिए मैं इसको बहुत कम ऑयल में बनाऊँगी। साबुनदाने की गोल गोल मैं पकौड़ियाँ बना के रख ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे बनाऊँगी अपे मेकर में। अपे मेकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, थोड़ा सा वो गर्म हो जाए तो मैं उसमें थोड़ा सा डालूँगी देसी घी, उसके बाद मैं इसको सेकूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी गोलियाँ बना ली हैं। आप पीनट को और कूट के डालिएगा, मच बेटर होगा, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया है। आप कभी भी बनाइएगा तो पीनट को क्रश करके मतलब कूट के अच्छे से डालिएगा। अपे मेकर में मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रही हूँ देसी घी। अब मैं सारी टिक्कियों को, सोयाबीन की गोल गोल टिक्कियों को मैं अपे मेकर में डाल दूंगी। और बहुत ही तेज आंच नहीं होनी चाहिए, धीमी आंच होनी चाहिए। अपे मेकर मेरा अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद मैं फ्लेम को धीमा कर दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी। ने क्या किया आपको? परी इतनी बड़ी समझ बनाया, इधर देखे, इधर वो बनी थ्री डॉट सुपरमैन के वाले। परी क्या बोली तमिल में कि तुम साउथ में? अच्छा क्लैपिंग कर दो जल्दी से। टिक्की मेरी सिक गई थी तो इसको मैं पलट पलट के सेक रही थी, थोड़ा सा और लाल करूँगी और ये अंदर तक अच्छे से पक जाए इसलिए मैं ऐसा करूँगी। और धीमी आंच में मैं इसको बनाऊँगी एंड जब मुझे थोड़ा सा लगेगा कि नहीं मुझे तेज आंच की ज़रूरत है तो मैं फ्लेम को थोड़ा तेज कर लूँगी और इसको अच्छे से मैं सेक लूँगी। उधर जूही बना रही थी सबके लिए तल के एंड मैं बना रही थी सिका हुआ अपे मेकर में। तो ये मेरा अच्छे से देखिए हो गया है लाल।
मेरी टिक्की बन के हो गई है रेडी, और मैं इतना ही खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी, क्योंकि अगर आप अपने वेट को कम कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम रखिएगा। और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये, देखिए अंदर तक पक गई है, बहुत अच्छे से पक गई है, एंड पीनट डालने से और टेस्टी लग रही है। तो आप कभी भी बनाइए तो पीनट डाल के बनाइए, या साबूदाना की पकौड़ी, एंड बस इसको आप अच्छे से कूट लीजिएगा पीनट को। चटनी को और टेस्टी करने के लिए एंड पकौड़े को और टेस्टी करने के लिए मैंने इसमें ऊपर से डाला है लेमन, इससे ये और टेस्टी लगता है। एंड बस उसके बाद मैं एंजॉय कर रही थी अपनी टिक्की, बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं कल मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।